नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्ट क्लासेज। और आज हम मैथ्स की क्लास का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं, वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो वहाँ देख लो, सब कुछ मैंने बता दिया है। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, आज भी हम कुछ इकाई अंक के प्रश्न करेंगे। उससे पहले आज के पार्ट सेकेंड में आपको पूरा का पूरा फैक्टोरियल समझाया जाएगा। फैक्टोरियल क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, आप समझ जाइए। इससे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत सारे बनते हैं, तो आपको कैसे करने हैं। अगर आपने इसलिए पिछला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों प्लीज पिछला वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ होता क्या है कि फैक्टोरियल का चिन्ह सबसे पहली बात तो ये ऐसा होता है, देखिए ऐसे वन सा होता है और उसके नीचे डॉट लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये है फैक्टोरियल का साइन। सबसे पहली बात, जब ये लग जाता है तो संख्या उस संख्या से पिछली वाली सभी संख्या का गुणा होती है। कैसे, जब एक के फैक्टोरियल लगा दिया तो एक के पीछे वाला जीरो आएगा, जीरो से गुणा नहीं होना है। यहाँ पर एक का फैक्टोरियल एक करना है आपको केवल। इसके बाद में चलते हैं दो का फैक्टोरियल। दो के फैक्टोरियल में दो प्लस इसलिए पिछले वाली संख्या का गुणा। ठीक है, फिर तीन का फैक्टोरियल। आज बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, ये ध्यान रखना, हर जगह हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, तो आप ध्यान से इस फैक्टोरियल को समझिएगा क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस एग्जाम में। तो देखिए, तीन का फैक्टोरियल अगर आपको बोले तो 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 6 होगा। इसके बाद में 4 का फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1 = 24 होगा। इसमें लॉजिक क्या है वो बताऊंगा मैं। 5 का फैक्टोरियल, 120, सभी नंबर को गुणा करते जाइए। ये 0 0 इसलिए लिखा है कि 4 के बाद में जितने भी संख्या के फैक्टोरियल करोगे सब में शून्य आने वाला है। यही लॉजिक है इसका। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि 4 तक आपको फैक्टोरियल याद रखने ही है, इसके बाद में सब में 0 आना है, वो तो वही आना ही है, फिक्स है। अब आपको करना क्या है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं, 4 का नियम बताया था कि मान लो यहाँ फैक्टोरियल नहीं है और घात 15 है, तो 15 में अगर अपन 4 का भाग लगाएंगे घात में तो अपने पास शेषफल कितना आएगा, 3। तो मैंने बताया था कि जब 0 शेषफल बचे तो घात 4 लेनी है, 1 शेषफल बचे तो 1 लेनी है, 2 शेषफल बचे घातों में भाग देने पर 4 का, तो आपको 2 लेना, और 3 शेष बचे तो 3 लेना। 4 नहीं बच सकता क्योंकि 4 बचेगा तो 4 में 4 का भाग जाएगा, 0 आएगा शेषफल, 0 में अगर 0 शेषफल आ गया तो क्या होगा, फिर से घात 4 हो जाएगी। तो पिछले वीडियो में ये मैंने अच्छी तरह से समझाया था, आपको तो ये याद रखना है। आप पिछला वीडियो देखना ही पड़ेगा, आपने नहीं देखा है तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप वहां क्लियर कर पाएंगे। फैक्टोरियल समझ गए सब लोग। अब किसके क्वेश्चन आते हैं भाई इस प्रकार से कि 3 की घात 15 फैक्टोरियल है, इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या आएगा। उसके बाद में ऐसा पूछता है कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस में ऐसा 3 + 6000 तक दे दिए, फिर बोल रहा है कि इसमें 20 का भाग देंगे तो शेषफल बताइए। अपना काम पूरा ट्रिक से चलता है, ये ट्रिक नहीं है भाई, ध्यान रखना। ट्रिक वो थी, वो हो गया वहां से कंप्लीट, इसको मिटा देता हूं मैं, लेकिन अपनी क्लास है वो ट्रिकी क्लास है। ठीक है, इससे अच्छा पढ़ने को आपको कहीं नहीं मिलेगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन बनता है इससे इस प्रकार का, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे हल कर पाएंगे। तो मैंने घातों का नियम क्या बता रखा है कि 4 घात कितनी भी हो उसके पिछले वाले 2 नंबर में 4 का भाग देना है और अपन को शेषफल लेना है, और शेषफल आएगा तो मैंने बताया था 0 शेषफल आए तो 4 घात होगी, बाकी 1 से 3 तक शेषफल आए तो 1 से 3 तक ही घात होगी। तो यहाँ पर क्या दिया भाई, 15 तो दिया है लेकिन उसके साथ में फैक्टोरियल दे दिया, तो 15 का फैक्टोरियल मैं निकालूंगा, तब तक पूरा पेपर का टाइम हो जाएगा। 15 × 14 × 13 × 12 × 11 × 10 × 9 ऐसे 1 तक, ऐसे मैं फैक्टोरियल निकालूंगा तो मेरे तो 12 बच जाएंगे, समझ गए। तो यहां आपको करना क्या है, मैंने क्या बताया था आपको कि 4 तक के फैक्टोरियल में 0 नहीं आएगा पीछे, समझ गए, और 4 के बाद में सारे फैक्टोरियल में 0 आएगा पीछे। अब देखते हैं कि ये फैक्टोरियल है ऐसे ही होगा और इसमें तो 4 का भाग देंगे, तो यहां पर देखना है कि 15 है, 15 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 15 का फैक्टोरियल ऐसे ही लिखेंगे, 15 × 14 × 13 × 12 × 11, लेकिन बट्टे में क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे ना, सबको पता है इस बात का, क्योंकि 4 का भाग देखकर देखना है कि जाता है कि नहीं जाता, सबको गुणा करके भाग दो, लेकिन यहाँ से 4 ये सब गुणा में तो 4 12 से कट रहा है 3 बार,
मैंने बोला भाग पूरा जाए तो मेरे पास शेषफल क्या आता है, हमेशा जीरो आएगा। क्या आएगा? शेषफल जीरो, क्योंकि चार का भाग चला गया पूरा, शेषफल तो जीरो आना ही है। एक नंबर में जाओ या सब में जाओ, एक ही बात है, ध्यान रखना। अब जब जीरो शेषफल आ गया तो घात कितनी लेनी है? चार। तो अपना क्वेश्चन देखिए, एक छोटी सी लाइन में हो गया 15 का फैक्टोरियल है, मतलब अगर चार से ज्यादा संख्या का फैक्टोरियल आ रहा है तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, उसकी घात में हमेशा चार का भाग जाएगा, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट जीरो आएगा सब में। तो यहाँ इसकी घात में चार का भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये 15 × 14 × 13 × 12 आ रहा है, 12 से पहले 8 आएगा, उससे पहले कितना आएगा? 4 आएगा, सब में जाएगा ना। तो इसमें भाग जा रहा है, एक संख्या का एक बार भाग चला गया, मतलब भाग पूरा गया। भाग पूरा गया तो मतलब यहाँ पर इस 3 की घात कितनी, भाग पूरा जाते 4, तो 3 की घात आ गई 4। अब आपको पूछा यूनिट डिजिट, तो 3 को 4 बार गुणा कर लो, आपके आंसर आ जाएंगे। इसको भी गुणा नहीं आ रहा है किसी दोस्त को, तो वो मत करना, वो ऐसे करना, 3 × 3 = 9 होते हैं, फिर 9 × 3 = 27 होते हैं, तो पीछे वाला नंबर लेना है 7, फिर 7 × 3 = 21 होते हैं, तो पीछे वाला नंबर क्या आया? 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। यूनिट डिजिट अपने पास कितने आ गए? 1 आ गया। इसी प्रकार से अगर प्लस में आए, प्लस आए तो उस वाले में ऐसा देगा, तो उसको भी इस प्रकार से हल करके फिर दोनों के यूनिट डिजिट को जोड़ देना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और बता दूं, यहीं से आपको अच्छे से जान लो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हर एग्जाम में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आता है, फिक्स है। सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे 1 by 1 सभी पार्ट में। मैंने बोला भाई 3 × 15 = 2 × 15 ये दे दिया। चलो यहाँ पर मैं आपको ये बोल दूं कि मैंने घात ले ली 2 की घात, मैंने ले ली 2 का फैक्टोरियल। अब करना भाई हल, चलो आगे वाले तो सब में लेते हैं, लेकिन ये कम वाले ले लिए, ये फैक्टोरियल 21 नहीं है, ध्यान रखना। अब 3 × 15 = 15 करेंगे, तो 15 का फैक्टोरियल मतलब 15 को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, और उसमें बीच में 4 भी आएगा, 8 भी आएगा, मतलब 4 का भाग तो पूरा जाएगा, भाग जाएगा घात में, तो मतलब जीरो शेषफल। तो घात कितना लेना है? 4 लेना है। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, फिर बोल रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना। अगर वहां अपने इसकी घात क्या ली, फिर अपन ने 3 की घात 4 ली, प्लस फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो अगर जीरो शेषफल बचता है घात में 4 का भाग देने पर, पीछे वाले 2 नंबर में भाग देना है केवल। अगर घात बड़ी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको पीछे वाले 2 नंबर में 4 का भाग देना है। 4 की भाजकता का नियम होता है कि पीछे वाली किसी भी संख्या के पिछले 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो वह 4 से पूर्ण भाज्य होगी। तो ये जीरो शेषफल बचे तो आपको 4 घात लेनी है शेष। अगर 1 बचे तो 1, 2 बचे तो 2, 3 बचे तो 3, 4 तो बच नहीं सकते, क्योंकि 4 में 4 का भाग चला जाएगा। 2 का फैक्टोरियल बोल दिया भाई इसने, अब 2 तो ऐसे कैसे आएगा पीछे वाला। अगर यहाँ पर नंबर भी बड़े हो ना, यूनिट डिजिट पूछे, तो आपको पीछे वाला नंबर ही लेना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पिछला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट फर्स्ट। फिर देखिए यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल दे दिया मेरे को, तो 2 का फैक्टोरियल होता है 2 × 1, मतलब क्या होगा? 2 का फैक्टोरियल कितना आ रहा है मेरे पास? 2 ही आ रहा है, तो क्या कर दूंगा? 2 × 2 = 4 होता है, प्लस अभी इसका किया था, अभी देखो फिर से बता दूं, 3 × 3 × 3 × 3, 4 बार है ना, 3 × 3 = 9 होते हैं, 9 × 3 = 27 होते हैं, तो आपको केवल 7 लेना है, 7 × 3 = 21 होते हैं, तो केवल 1 लेना है। तो यहाँ पर क्या आया? 1 और 2 × 4 आया, तो कितना आया? 5। तो यूनिट डिजिट आपको पूछे इकाई अंक कितना आया इसका? 5। ये 1 कैसे आया? देखो आप करो इसको, 3 × 3 = 9, 9 को 3 से गुणा कर लो, 27 आया, 27 का केवल पिछला अंक लेना है, 7 को 3 से गुणा किया, 21 आया, 21 का भी पिछला अंक लेना, पिछला 1 अपन ने यहाँ पे ले लिया, हो गया क्लियर। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, और इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय, वो अगले पार्ट में करेंगे, अभी बड़ा हो जाएगा थोड़ा, तो पार्ट नंबर 3 भी आप कंटिन्यू बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और अपनी क्लासेस का टाइम सब सेट है, आपको इसी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल होते रहेंगे। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आता है शेषफल प्रमेय से, जिसमें इस प्रकार से आता है, अभी मैं आगे और बताऊंगा अगले पार्ट्स में किस किस प्रकार के से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए भाई, इसने बोला है कि सभी के फैक्टोरियल को जोड़ने पर 20 का भाग देना है, तो मेरे को लगता है
कि 6000 के फैक्टोरियल तक अगर मेरे पास ट्रिक नहीं है तो 1 से 6000 तक के फैक्टोरियल को जोड़कर मैं अगर भाग लगाऊंगा 20 का तो मेरा ये हल नहीं हो पाएगा, इससे अपना कैलकुलेटर भी सोल्व नहीं कर सकता, बहुत समय लग जाएगा। तो आपको करना क्या है भाई, अपना ट्रिक है इसके लिए, ट्रिक वही बस एक ही ट्रिक चलता है पूरे नंबर सिस्टम में अपने, यहाँ नहीं है कि 5-7 ट्रिक बना दी, ठोक दिया, सबको बता दिया कि भाई ये करो वो करो, वो बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन को केवल 20-25 सेकंड में हल करना होता है, बड़े क्वेश्चंस को, छोटे क्वेश्चन 2-4-5-10 सेकंड मात्र। ये वाला पूछा है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा, 20 का भाग देना है। तो ये बताइए कहीं ना कहीं किसी एक फैक्टोरियल में भाग जाएगा। उससे पहले मैं आपको बात बता दूं कि मैंने 1/11 लिख दिया, शेषफल प्रमेय को समझने के लिए ये बात जरूरी है। तो मैं आपको पूछूं शेषफल क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया है 0, 2, 3, 7, सॉरी एक में था 11 और एक में था 1, ये दूसरे का बता दिया, बताइए यहां पर शेषफल क्या आएगा। अब आप सोच रहे होंगे शेषफल 0 आएगा क्योंकि भाग नहीं जा रहा, शेषफल 3 आएगा, शेषफल 2 आएगा, शेषफल 1 आएगा। तो कैसे हल करेंगे कि कितना शेषफल आएगा, तो इसका मतलब हुआ कि 11 का भाग मेरे को देना है 1 में, भाई भाग ही नहीं गया, भाग गया ही नहीं, 0 बार गया, 1 ऐसा कैसा पड़ा है, तो शेषफल 1 ही बचा यहाँ पर। तो शेषफल यहाँ पे क्या बचेगा, वही संख्या बच जाएगी। लेकिन आपको वापस 1 लाना है तो कैसे लाते हैं अपन, आपको पता है इसको और इसको गुणा करेंगे, 11 गुणा 0 प्लस शेषफल को जोड़ देंगे, 11 गुणा 0, 0 प्लस 1 बराबर 1, यही होता है भाई भाग का रूल। अच्छे से समझ में आ गया, अगर बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग लगा रहे हैं और आपको शेषफल पूछे तो वही संख्या रह जाएगी। अब यहां पर भी वही बात होना है अपने, थोड़ा सा देखिए एक और बताता हूं। अगर मैंने यहां पर लिख दिया 20 प्लस 20 बटा 20, तो आप करोगे कि 40 बटा 20, फिर भाग लगाओगे 2 बार गया, तो इसको मैं कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 20 बटे 20 प्लस 20 बटे, मतलब भाग में जो 20 है वो दोनों के अलग अलग है। अब एलसीएम लेंगे तो 1 आएंगे, मतलब इन सब के भी ये 20 है ना, 1 का फैक्टोरियल बटे 20 प्लस 2 का फैक्टोरियल बटे 20, इस प्रकार से है। तो यार एक बात बताइए कि यहां पर मैंने यहां पर बताया था आपको कि 4 के बाद में जितने भी फैक्टोरियल होता है उसमें 0 आएगा, सब में आप करके देख लेना, सब में 0 आएगा। और भाग कितने का दे रहा हूं मैं, 20 का दे रहा हूं, 20 का पीछे वाला अंक 0 है, और संख्या का अगर पीछे वाला अंक 0 मतलब है इससे पूर्ण भाज्य होगी, मतलब इसमें सब में इसका 20 का भाग चला जाएगा। तो यहां पर तो 0 0 बचने हैं भाई। देखो पहले मेरे को ये बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बटे 20 प्लस 2 का फैक्टोरियल बटे 20, तो यहां पर मेरे पास बचेगा क्या, देखिए 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6 और 4 का फैक्टोरियल 24 बच रहा है ना, ऐसे इन सब के बट्टे में मैं ऐसे लगा सकता हूं ना, अभी वहां पे बताया था एग्जांपल। अब प्लस मैंने यहां पर लिखा 5 का फैक्टोरियल बटे 20, 5 का होता है मान 120 बटे 20, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, भाग पूरा गया, बस आपको तो इतना ही समझना है भाग पूरा गया। भाग पूरा जाते ही शेषफल लेना है, शेषफल बोल रहा है तो शेषफल क्या होगा, यहां पर शेषफल बच रहा है क्या, भाग तो पूरा गया, शेषफल तो 0 बचेगा। तो आगे वाली सभी संख्याओं में ऐसे आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, और 6000 तक भी क्या आएगा, प्लस 0। ये बात समझ गए। अब बात करते हैं इतने इतने की, तो मेरे पास बचा इनका एलसीएम ले लो आया 20। मैं समझा रहा हूं अभी देखना, पूरा समझाने के बाद केवल 2 सेकंड में आप हल करोगे इस क्वेश्चन को। देखिए एलसीएम क्या है 20, आपको समझना जरूरी है कि होता है क्या है इसमें। एलसीएम 20 लिया, 20 लेने के बाद में इन सबका जोड़ हो जाएगा क्योंकि सबका सेम है, तो 24 और 36 और 3 33, 33 में 20 का भाग लगा दो और एक बार गया, 13 शेष बचे, और इकाई अंक बोले तो पीछे वाला 3 बचेगा, ये नहीं होगा, इकाई अंक यहां से नहीं पूछेगा, शेषफल प्रमेय है तो शेषफल पूछेगा, और शेषफल कितने आए 13। लेकिन आप किसी भी तरीके से निकाल लो आपके 13 नहीं आएंगे, अगर आपने ये तरीका यूज नहीं किया है तो मैं 100% गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा फॉर्मूला इसका नहीं है, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। आपको फैक्टोरियल, अब देखो दोस्त 2 से 5 सेकंड में आपको 10 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा कैसे करना है इस क्वेश्चन को।
अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितने भी आ जाए, गुणा जोड़ बाकी भाग, भागफल यानी कि शेषफल प्रमेय में क्या होता है कि भाग लगना होता है, और यहां पर कोई भी संख्या डाल दो सबका भाग जाएगा इसमें, क्योंकि ये फैक्टोरियल होती है गुणे में, और उसमें बटे में अगर कोई संख्या लगाएंगे तो वो कट जाएगी ऊपर से। तो पांच के बाद में सभी फैक्टोरियल में क्या होगा, अपने जो भाग देने वाली संख्या उसका सबका भाग जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछता है जीरो वाले, तो यहाँ पर आपको 20 तो बटे में ऐसे कैसे लिख देना भाई, 20 का भाग देना है। अब पता है पांच के बाद में तो सब में 20 का भाग जाएगा, क्योंकि इसमें भी जीरो आ रहा है, इसमें भी जीरो आ रहा है, और इतने ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं देगा, इस लास्ट में जीरो ही देगा सबके। फिर क्या होगा, अपन को दिमाग में आता है कि 1, 2, 3, 4 तक अपन संख्या याद रखनी है और रखनी है। तो आपको पता है कि यहाँ पर 24 + 6 + 2 + 1 किया 33/20 = 13। क्यों, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 का, मैंने उल्टा लिख दिया, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6 और 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120 होगा। और इस पर इससे हल करेंगे तो अपन को पता लग रहा है कि 120 में भाग पूरा जाएगा, शेषफल जीरो बचेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, एक बार आप देख लीजिए इसको, उतार लीजिए, और इसी प्रकार बने रहिए अगले पार्ट के लिए। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में।